नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मोदी सरकार के आम बजट में मिडिल क्लास को नहीं दी कोई राहत, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, दो साल तक के रिटर्न में कर सकेंगे संशोधन। बजट में हीरे की ज्वेलरी, मोबाइल चार्जर के दाम होंगे कम, कपड़े जूते और चमड़े का सामान भी होगा सस्ता, विदेशी छाता हुआ महंगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए बजट में 73,000 करोड़ रुपए की आवंटित, यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित आकलन से 25.51% कम है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी और रेलवे छोटे किसानों तथा MSME के लिए नए उत्पाद भी करेगा विकसित, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में की घोषणा। बजट में रेलवे को 1,40,367.13 करोड़ रुपए का आवंटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट में प्रधानमंत्री के नाम से दो प्रमुख नई योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की गई। इनमें पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना व पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों में 25,000 किलोमीटर का किया जाएगा विस्तार, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाने की भी बजट में घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान, अगले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे 80,00,000 सस्ते घर, ये घर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का किया गया है आवंटन। आम बजट में किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई ऐलान किए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देगी सरकार, MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ के फंड का ऐलान। देश में आएगी नई डिजिटल करेंसी, RBI करेगा लॉन्च, बजट में किया गया ऐलान, क्रिप्टो करेंसी पर 30% लगाया गया टैक्स। बजट से ब्लैक मनी पर मोदी सरकार का बड़ा वार, छापे में बरामद पूरा पैसा होगा जब्त, सेटलमेंट योजना के दायरे में नहीं आएगी छापे की रकम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। 100 साल के विश्वास वाला बजट, बजट पर बोले पीएम मोदी, वित्त मंत्री ने कहा कि 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाना बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने ट्वीट कर कहा कि भारत का वेतन भोगी वर्ग व मध्यम वर्ग महामारी वेतन में चौतरफा कटौती और कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की कर रहा था उम्मीद, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किया निराश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार यह बजट लोगों की जेब काटने के लिए लाई है। बोले यादव, उत्तर प्रदेश से भाजपा के दुखदायी युग का अंत शुरू हो रहा है, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद में पेश किए गए बजट को किसानों के साथ बताया भारी धोखा, कहा सरकार ने किसानों को नहीं दी कोई राहत, लगता है सरकार MSP पर खरीदारी नहीं करना चाहती। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को चेतावनी, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा, भारत में काम करना है तो उसे देश के कानून का पालन करना चाहिए। JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर यूपी में केमिकल फेंकने की कोशिश, कन्हैया युवा संसद को संबोधित करने लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय आए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी देवांश वाजपेयी को केमिकल फेंकने से पहले ही पकड़ लिया। IPL 2022 के मेगा ऑक्शन की लिस्ट से 3 दिग्गज खिलाड़ी बाहर, क्रिस गेल के अलावा बेन स्टोक्स और मिचेल स्टार्क भी इस बार IPL में नहीं खेलेंगे, तीनों ही खिलाड़ियों ने IPL में खेलने के लिए जताई है असहमति। केंद्र सरकार ने खेल के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3,062.60 करोड़ रुपए आवंटित किए, यह राशि पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ रुपए 58 लाख रुपए ज्यादा। SS राजमौली की मूवी RRR की नई रिलीज डेट अनाउंस, 25 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। वेब सीरीज रक्तांचल सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, 11 फरवरी को MX प्लेयर पर होगी स्ट्रीमिंग, सीरीज में निकितिन धीर, आशीष विद्यार्थी, माही गिल आएंगे नजर। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।